फातिमा सो गए? बहुत मुश्किल से सो गए। उसे नींद की गोली दी तब कहीं जाके आंख लगी है उसकी। मंसूर मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने फातिमा को इस तरह तड़पते हुए कभी नहीं देखा। आखिर माँ है, औलाद से बिछड़ने का गम नहीं बर्दाश्त कर पा रही। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ। दिल चाहता है कि फोन उठाऊं और सायमा को खूब सुनाऊं। अरे क्या समझते हैं खुद को? देखो, सायमा की मौजूदगी में मुताहिर ने ये जुल्म किया फातिमा पे। मैं तो अपनी नजरों में खुद शर्मिंदा हो गया कि सायमा ऐसी भुप्पो हो गई। सायमा ने तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। अरे फातिमा कोई गैर थोड़ी है, सगी भतीजी है उसकी। फातिमा के साथ जो कर लिया सो कर लिया, कम से कम उसकी औलाद तो वापस कर देते उसे। और वो अम्मा को देख लो, उन्होंने भी नहीं रोका। अरे क्या बड़े ऐसे होते हैं, ये जिम्मेदारी होती है उनकी। अरे नहीं मंसूर, फातिमा बता रही थी कि अम्मा जी घर पे ही नहीं थी। अगर वो घर पे होती तो कभी भी ये सब कुछ ना होता। अरे रहने दो, वो तो फिर पराई। सायमा तो सगी फुफो है ना, उसने क्या किया है? मुताहिर ने सब उसके सामने किया, लेकिन वो तमाशा देखती रह गई। इनसे तो अच्छे की उम्मीद ही न रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।